कहाँ से? जयपुर से आए हैं जी। इस मेल से पहले कभी आए हैं आप? पहली बार फर्स्ट हमारा। अच्छा लग रहा है आपको मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और देखने लायक मेला है ये सर। इंटरनेट कब आपने किया? हाँ जी सर। आपने कभी स्टार्ट किया यहाँ पे? यहाँ पर सर हमने परसों से स्टार्ट किया। शॉप आज लगाई आपने? हाँ जी सर। तो क्या दे रहे हैं आप? हम सर पाव भाजी दे रहे हैं और छोले कुलचे दे रहे हैं और सर ये भेलपुरी का है जी। और ये अपना नाम बताइए। कहाँ से हैं आप? कालका जी से आए हैं। अच्छा, कितने समय से आप काम कर रहे हैं ये भेलपुरी का? ये तो सर मेरे मैं कर रहा हूँ कम से कम 30 साल से जी। पहले भी मेरे में आ चुके हैं। तो आपकी टीम ये कहाँ से आई? आप लोग सब राजस्थान? सब राजस्थान से? जयपुर से बस ये अंकल यहीं है दिल्ली से। तो क्या क्या देने वाले हैं आप लोग? भेलपुरी और पाव भाजी। क्या क्या प्राइस आपने क्या क्या प्राइस रखे हैं इसमें? मैम थोड़ा सा पूछा था एक पाव भाजी के बारे में पूछा था। ये पाव भाजी आप लोग खाते हैं तो ये कैसा क्या था इस पाव भाजी के अंदर में? बहुत टेस्टी है जी और मसाले प्रॉपर हैं जी। और जैसे हमने इनसे खट्टा मांगा था वैसा ही है। जैसे कि 2 साल के बाद में कोरोना काल के बाद में सूर्य कुंड का जो क्राफ्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट मिला जो स्टार्ट हुआ है काफी लंबे समय के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? पहले से कुछ अलग लगा कुछ इस बार आने में? अलग तो अभी नहीं कह सकते लेकिन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब कोविड खत्म हो और हम इसको सूरज कुंड मेले को मिस कर रहे थे। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की गई हैं काफी समय के बाद में जो परिस्थिति में पूरा देश जूझ रहा था जिस कारण से उन्होंने सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं यहाँ पे आप लोगों को तकलीफ ना हो जैसे फ्री वाईफाई वगैरह है पानी की व्यवस्था है और काफी कैमरे भी यहाँ लगाए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा गवर्नमेंट सरकार के लिए? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है और ये मेला हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते लेकिन पार्किंग तो ज्यादा है। क्या पार्किंग चार्जेस ज्यादा है? 150 rupees वो पार्किंग के चार्जेस ले रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा। एक बार टिकट का बता दीजिए आप लोग टिकट का भी? टिकट 180 का दे रहे हैं ये जी। और टिकट भी पहले से तो कॉस्टली कर दी है। अगर एक फैमिली के 5 persons आए हैं तो 1000 rupees की तो टिकट ही हो जाए। तो कुछ कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, बिल्कुल कम। तो अब हरियाणा सरकार को संदेश दे दीजिए। मैं हरियाणा सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये मेला बहुत अच्छा है लेकिन इसमें आम को देखते हुए रेट्स को कम रखें, एंट्री के लिए भी चार्जेस कम रखिए और पार्किंग के भी कम रखिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्राफ्ट मेले को देखने आ सके। मैम कहाँ से आप लोग आए वैसे? हम फरीदाबाद से। तो मैम आप फरीदाबाद से यहाँ पर आए तो आज पहले दिन आए कल भी आप आए थे यहाँ पे? नहीं आज ही आए हैं। तो और भी आगे आएंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग तो इसको 2 से 3 बार में आते हैं जी जी। और कुछ आपने यहाँ पे कुछ और खाया आपने यहाँ पे चाट वगैरह में? अभी हमने फर्स्ट टाइम के लिए जी अभी कुछ और भी खाया अभी। मैम क्या नाम आपका? जी मैम कैसा लगा वो चाट खा करके? बहुत बढ़िया चाट है। अच्छी है, राजस्थान वालों की है ना शायद ये? जी थैंक यू। कुछ बोले जी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम बाबू है और हर बार सूरज कुंड मेले में इस बार थोड़ा पॉइंटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉल्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगी हुई हैं तो ठीक है इनफ है। यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं पूरा। सुरक्षा के बारे में क्या, इस बार जो सुरक्षा के बल जो सबसे ज़्यादा तैनात जो किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुरक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी है, हर जगह पुलिस सिक्योरिटीज लगी हुई है। इवन आप लोगों को सिक्योर करने के लिए कोई भी ऐसे कि क्रिमिनल्स वगैरह ना आ सके तो यहाँ पे 300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा यहाँ जो CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं जो कि शायद ऐसे मेले में इतनी सुविधा नहीं होती है बाकी जगह पर। और वाईफाई फ्री जोन भी है उन्होंने दिया हुआ है इस बार। यहाँ पे वाईफाई भी है, इवन आई ऑल्सो कनेक्टेड वाईफाई। आपने यहाँ पे चाट लिया अभी मैम? हाँ मैंने चाट। कैसा लगा आपको चाट के बारे में? टेस्टी है इस बार तो, ज्यादा ही टेस्टी है पहले के अकॉर्डिंग। तो क्या आप दोबारा फिर आना चाहेंगे यहाँ पे शॉप पर जब वगैरह होगा? मैं हर बार आती हूँ। तो मेले में आप कहाँ से आप आए वैसे? मैं फरीदाबाद से। और भी आगे आएंगे आपके? तो यहाँ पे इसका जो कौन है यहाँ पे आपको जो यहाँ पे शॉप है जलेबी है पे बिरयानी का है बहुत चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप उनका मेल अगर आप आएंगे तो कल मैं आपको पकौड़े वगैरह है पुरानी दिल्ली घाट है कुल्फी बहुत सारी चीज़ें सूर्य कुंड के मेले में वाली है दोस्तों। तो इसको देखो फूड का सारा ये आप स्टॉल लगे जो इंटरनेट आप मेला का पाएंगे यहाँ पे ही आपकी पाव भाजी मटर जो आपका है जो कि आपका दिल्ली का मशहूर यहाँ पर है और बाकी जो मशहूर है आपकी पाव जो कि यहाँ उसी टाइप को यहाँ खाने की और यही है पास में जो शॉप।
Thank you.